झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, अवैध खनन मामले में ईडी आज हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा से रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। वहीं 20 मार्च को प्रीति कुमार से पूछताछ होगी। होली के बाद 4 अप्रैल को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और 5 अप्रैल को उनके भाई अंकित साव से पूछताछ होगी। वहीं इससे पहले सोमवार यानी कि बीते दिन अवैध खनन मामले में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू पहुंचे और उनके हाथ में कई दस्तावेज भी देखे गए। ईडी कार्यालय में अभिषेक प्रसाद से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि पूछताछ में अभिषेक प्रसाद सहयोग नहीं कर रहे थे और ईडी ने एक बार फिर से उन्हें समन कर सकती है। तो एक बार फिर से अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, कल अभिषेक प्रसाद से 11 घंटे तक पूछताछ चली और आज के दिन की बात की जाए तो हटिया के डीएसपी है प्रमोद कुमार मिश्रा जिन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचना है, क्या जानकारी इसे लेकर? जी हाँ बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से जो साहिबगंज में अवैध खनन के जो मामले निकल कर आए थे और उसमें जो है, चूंकि वो अवैध खनन का प्रारूप जो है काफी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी कड़ी में जो है बीते दिन जो है अभिषेक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू उनसे तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ चली थी। अब उसी मामले में जो है आज जो है हटिया के जो डीएसपी हैं जो कभी साहिबगंज में हुआ करते थे तो उनपे जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो है आरोप लगा है और उसको लेकर जो है पूछताछ के लिए जो है उन्हें आज ईडी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां बुलाया गया है। और जो अवैध खनन हुए थे तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर मतलब के अवैध खनन हुए थे उसको लेकर जो है ईडी उनसे पूछताछ करेगी। पूरे दस्तावेज के साथ उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है। चलिए नजर बनाए रखिए कुंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।